नमस्ते एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब पढ़ रहे होंगे अच्छे से, राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जितने हमारे कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसी क्या गलतियां कर सकते हैं अपनी कोचिंग के दौरान जो कि उनको भारी पड़ सकती हैं। ये वो गलतियां हैं जो मैंने खुद करी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि और कोई ना करे, राइट? तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए है जो हमारे यहाँ पर मिस्टेक्स होंगी, पर एक दो मिस्टेक्स होंगी जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर कंसिडर करी गई हैं। तो डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहली मिस्टेक जो है वो ये है कि जल्दी जाते हैं स्टूडेंट्स कि भाई हमें आगे बैठना है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा जल्दी चल पड़े। 1.5 घंटा पहले वहाँ पे लाइन लग जाती थी हमारे वाजीराम के बाहर सुबह सुबह कि भाई हमें आगे बैठना है, आगे बैठना है, आगे बैठना है। जब हमारे टीचर्स आते थे देवर लाइक, क्या हो गया भाई, आप इस 1.5 घंटे के टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप कहीं पर इन्वेस्ट कर लो, यूटिलाइज कर लो। अब बच्चे क्या करते थे कि न्यूज़पेपर लेके बैठे हुए हैं ज़मीन पे, क्योंकि हमारे गेट्स अराउंड 15 to 25 मिनट्स पहले खुलते थे क्लासरूम के। बाहर वाला मेन गेट खुल जाता था पर क्लासरूम के लेट खुलते थे थोड़ी देर बाद। तो वहाँ पे अगर तो यार पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, पर लॉजिक नहीं है ना। आप उसी में अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, अपने रूम में बैठ के पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हो, आप वहाँ करो ना। बाहर अपना टाइम क्यों वेस्ट करने पे लगे हुए कि नहीं जी हमने तो वहीं बैठ के दिखाना तो है नहीं किसी को, पढ़ना खुद ने है, तो वो आप देखो। पर मेरे जो मेरा वो होगा आपकी तरफ सजेशन वो यही है कि प्लीज़ उस टाइम को वेस्ट मत करना। सेकेंड चीज़ होती है कि बच्चे फर्स्ट मंथ की क्लासेस को बहुत लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि नई इंट्रोडक्शन चल रही है, टीचर्स बता रहे हैं, 2.5 घंटे की क्लास में 1.5-2 घंटा हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं पर पढ़ाई के बारे में जानते हैं। तो उस टाइम पीरियड में जो 1 महीने का है उसकी कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि टीचर्स एक रोड मैप देंगे आपको कि आपने इस तरीके से उनके सब्जेक्ट या फिर उनके टॉपिक्स को कवर करना है। अगर आपने वो कर लिया ना, तो टू बी ट्रू वैसे तो ये वीडियो आगे देखने का फिर फायदा भी नहीं है, पर देखना जरूर क्योंकि आप गलतियां करोगे, क्योंकि मैंने भी करी थी, तो आई होप वैसे ना करो। तो ये चीज़ होती है कि अगर आपने उनको फॉलो कर दिया, पेपर क्लियर करने के चांसेस बहुत हाई, गुरु की जगह कोई नहीं ले जा सकता, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। थर्ड चीज़ इज रेफरेंस बुक्स। हमारे उसमें हमारी येल्लो बुक्स मिलती थी हमें, हर एक इंस्टीट्यूट की अलग मिलती हैं, करेक्ट? फॉर वाजीराम एंड रवि येल्लो बुक्स आर वेरी गुड, आप उनसे गो थ्रू हो सकते हैं, रेफरेंस बुक्स के तरीके से हो सकते हैं, जिसपे स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो उससे भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ये देखना कि जो आपके टीचर्स होंगे वो आपको किस हिसाब से बता रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं आप इस बुक को रेफर कर लो, नहीं तो येल्लो बुक तो गो थ्रू करना ही करना। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टॉपिक्स हो रहे हैं, कुछ टॉपिक्स के लिए टीचर्स डायरेक्टली कह देंगे कि भाई लोड ही नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट से पढ़ना है, तो वहाँ पर आप अपने नोट से देख लो, नहीं तो बाकियों के लिए एक बुक को रेफर ज़रूर करना। ऐसा मत करना कि नहीं सिर्फ और सिर्फ नोट से कर लेंगे, अगर ऐसा होता तो हर बच्चे के पास नोट्स होते हैं यार, हर कोई टॉप कर देता है, ऐसा भी नहीं होता। आपको थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए, अगर आगे ब्रॉड करना है अपना माइंड को देखना है, तो आप एक बुक ज़रूर पढ़ लेना, और कॉन्फिडेंस आता है उस बुक को पढ़ने से, मेन चीज़ ये है और कोई बात भी नहीं होती। देन आता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो मंथली मैगजीन के लिए रुकते हैं। मैंने भी कई बार रुका कि यार 1 महीने का गैप लग गया या 15 दिन न्यूज़पेपर रह गया, कोई ना आप सीधा मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे। ये मत करना, आप अपना न्यूज़पेपर लो, हर दिन का पढ़ो। अगर तो ऑनलाइन है तो आपने कुछ कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो साइड में रख लिए, वैसे तो आपके टेलीग्राम चैनल्स पे ना जो हमारे इंस्टीट्यूट के होते हैं उसमें मेन टॉपिक्स आ जाते हैं, पर आप क्या करना कि अपने जो आपको जो लग रहे टॉपिक्स हैं प्लस वो वाले जो टेलीग्राम पे हैं उन्हें कहीं पे लिख लिया। अगर वो टॉपिक रिपीट हो रहा है न्यूज़पेपर में उसके आगे लिख लिया रिपीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जितनी बार भी रिपीट होता है, तो ये भी एक तरीका रहेगा कि आपको पता होगा कि ये टॉपिक इतनी बार रिपीट हुआ तो इसके चांसेस थोड़े से स्लाइटली हायर हैं पेपर में आने के इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ, तो आपने वो लिख लिया। इन दी एंड अगर उसमें वैसे अगर आपको उसके अंदर कोई टॉपिक के अंदर कुछ अच्छा लगा या फिर आपको हुआ नहीं यार ये टॉपिक पूरा का पूरा आर्टिकल ही बहुत अच्छा है मैं बाद में भी पढ़ना चाहूँगा, तो आपने उस क्वेश्चन जो भी डेट का आप न्यूज़पेपर है अगर तो आप ऑनलाइन मोड पे पढ़ते हो, या फिर उस आर्टिकल को कट करके रख लो, इसके अंदर ही स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आप ऑफलाइन में है तो आप उस डेट का आर्टिकल का वो बना लो, थोड़ा सा समराइज कर लो। हर एक को भी मत करना अगर आप मंथली मैगजीन से करना चाहते हो, बाकी हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, कई बंदे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मंथली मैगजीन नहीं पढ़ते, कई सिर्फ मंथली मैगजीन पढ़ते हैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, कई दोनों पढ़ते हैं, तो बहुत सब्जेक्टिव है। पर ये मेरा ओपिनियन है कि उसके बाद आप मंथली मैगजीन को देखना, और अगर कुछ टॉपिक्स मिस्ड हैं तो वो मर्ज कर देना, या फिर इसके अंदर आपको कुछ मटेरियल ज़्यादा था, आपने 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखी हुई थी, वो आप मर्ज कर सकते हो। प्लस आपका पूरे मंथ में ऐसा भी नहीं होगा कि यार हम है ही नहीं, पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, मंथली मैगजीन से आप 1 महीना पीछे हो जाते हो ना करंट अफेयर्स के लिए, तो वो ज़रूर देख के चलना। देन आता है कि आप सिर्फ अपनी ऑनलाइन वीडियोस पे भी बहुत लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई कोई ना छुट्टी मार ली अपन पे वीडियो तो आ जाएगी हम बाद में देख लेंगे।
जो क्लास आपकी 2.5 घंटे की है ना, वो उसी वीडियो में आपकी क्लास कम से कम 3-3.5 घंटे की बन जाती है, वो भी बहुत डिस्ट्रैक्शन आ जाती हैं, तो मत करना। ये ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन मूड ही ख़राब है, वो देखो अब बच्चे के ऊपर भी है ना कि आपके पास उस टाइम पे वो माहौल है कि नहीं है। अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आप उस टाइम पे भी लाइव क्लासेस देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, तो ये हर बंदे के ऊपर होता है कि वो कैसे करना चाहेगा। पर मेरा यही रहेगा आपको सजेशन कि आप प्लीज़ अपनी क्लासेस अटेंड करो। आप अगर दिल्ली आए हो या कहीं पर भी हो अपने कोचिंग के लिए, तो आप वहीं पर जाओ ना यार, जिस काम के लिए आए हो वो कर लो, उसके बाद भले ही घूम लेना। 2.5 घंटे में आपने ऐसा क्या कर लेना जो बाकी टाइम पे नहीं कर सकते। तो काइंडली अपनी क्लासेस मत मिस करना यार। देन द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने आपको बताया ना 1.5 घंटा पहले बच्चे जल्दी चले जाते हैं, उस 1.5 घंटे में ना आप लोग अपनी पिछली क्लास को रिवाइज कर सकते हो। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लो कोई टॉपिक चल रहा है, इन्फ्लेशन का टॉपिक चल रहा है सपोज करते हैं, तो 3री क्लास है। वाजीराम एंड रवि में हर दिन हमारे सब्जेक्ट्स चेंज होते थे, टीचर्स चेंज होती थी, तो कभी हफ्ते कभी 2 हफ्ते बाद भी आ सकते हैं वो सर, तो पीछे वाला बंदा दिमाग से निकल जाता है। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो आप ये करो कि सुबह उठ रहे हो, 1/2 घंटा लगेगा आपको रिवीजन में, अगर आपने घर आके एक बार रिवाइज करा था, मैक्सिमम 1/2 घंटा आपने वो टॉपिक से गो थ्रू हो लिया। एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हैं ना, यही लगा लो कि आपके दिमाग का वार्म अप हो रहा है। आपने वो करा, आपके पास एक विजन आ गया कि हाँ ये टॉपिक्स थे मेरे को दिमाग में था, ऐसा था वैसा था। अब टीचर्स पढ़ाएंगे ना जब आपको, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, तो आपने वो ज़रूर देखना है। नेक्स्ट, उसके बाद हाथ जोड़ लिया पहले अगले वाले पॉइंट के लिए, हर एक UPSC की वीडियो, गवर्नमेंट वीडियो एग्जाम्स की वीडियोस के लिए भी ये पॉइंट हमेशा रखा जाता है, NCERT, पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, मिस मत करना, सिंपल सी बात। NCERT से गो थ्रू होना ज़रूरी है, वो तो कई बंद रटनी भी जरूर, रटनी इन द सेंस प्रॉपर समझ आनी चाहिए आपको NCERT की क्या है, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा NCERT पे, ध्यान रखना आप सब। देन अगला आता है कि आपको ना ऑनलाइन पोर्टल पे ये लोग बहुत चीज़ें अवेलेबल कराते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होंगी, क्विजेज होंगी, डेली क्विजेज होंगी, आपके पास PYQs के भी कई लोग, कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो सॉल्व करवा देते हैं, पेपर PDFs मिल जाती हैं, उसको यार देख लेना। आप ना क्वेश्चंस जितने सॉल्व करोगे आपको गलतियां पता चलती रहेंगी, रिपीट मोड पे आप गलतियां नहीं करोगे अगर एनालाइज करते हो, तो ये चीज़ कर लेना। मैंने नहीं करी थी और बाद में फील हुआ कि गलत था, करना चाहिए था। और एक पॉइंट है लास्ट, और मेरे को जहां तक की लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये, हमारे सर ने हमें बताया था, आप कोई भी टॉपिक से निकले हो अभी क्लास से, आपका रिवीजन हो गया एक बार, फॉर एग्जांपल 1857 रिवोल्ट का रिवीजन हो गया, गूगल पे जाओ, डालो क्विज रिगार्डिंग 1857, क्वेश्चंस आ जाएंगे, PYQs आ जाएंगे, सॉल्व कर दो, जो गलती है ऑन द स्पॉट अपने नोट्स में डाल दो, आपने वो देख लिया, या फिर आपका जो थॉट प्रोसेस था उसको सॉल्व करने का, आपको पता चल गया अगर कहीं पे गलत होगा तो आप उस चीज़ को करेक्ट कर पाओगे, और वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि बाद में आप वो मिस्टेक्स बार बार रिपीट नहीं करोगे। और जो आपने मिस्टेक करी है ना, रेड पेन लो, उसी नोट के आगे लिख देना कि यार ये मैंने इस तरीके से मैं सोच रहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये मेरी अप्रोच थी, यहाँ पे मैं गलत था, ताकि अगली बार आप वो अप्रोच ना यूज करो। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि कोचिंग में जाने से पहले हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। एंड जय हिंद, नमस्ते, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।